भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। बैठ जाइए, बैठो, चुप करके बैठो। सुनो, आप क्या जाने हिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते हैं। उपाध्यक्ष जी, देशद्रोही की भी परिभाषा पूछना चाहती हूं। क्या है देशद्रोही की परिभाषा? किसको देशद्रोही कहते हैं? किस धर्म की बात आप करते हैं? किस राम की बात करते हैं जिसने अपनी मर्यादा को रखने के लिए जनता की बातें सुनी थी? उस जनता की बात सुनके उसने सीता को वनवास भेज दिया और आप लोग बात तक नहीं करना चाहते? तो देश को मत बांटिए, एक रहने दीजिए, ये नफरत मत फैलाइए। ये आपके लिए भी, हमारे लिए भी बहुत धन्यवाद। अरे आज यहाँ बैठे हुए हो, हवाई जहाजों में चलते हो और उनमें चलते हो, किसने दिए, किसने बनाए? हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसने बनाए? IIT किसने बनाई? MMT किसने बनाई जिसमें आज आप दिखाई दे रहे हो? क्या किया है 6 साल में? आप अब चुप रहिए। बेरोजगारी की कोई बात नहीं है, महंगाई की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनको उसकी चिंता ही नहीं है। आज विद्यार्थी जो पूरे देश में झंडा लेके खड़े हैं, उनको अपने भविष्य का फिक्र है कि हम डिग्री तो ले लेंगे पर नौकरियां कहां से लाएंगे, क्योंकि इस अभिभाषण में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं धन्यवाद किस बात का करूं, कहां से शुरू करूं। मुझे लगता है आप अब चुप रहिए। मुझे लगता है बैठकर इंटरवेंट ना करें आप। मुझे लगता है कि एक कुशल गृहिणी अपना ट्रंक उसको पेंट करके अपनी पुरानी चीजें उसमें डाल देती है, यही सभी भाषण में है। कुछ नया नहीं है, वही उज्ज्वला है, वही दीनदयाल है और वही पे जो है मिशन की बातें हो रही हैं। बेरोजगारी की कोई बात नहीं है, महंगाई की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनको उसकी चिंता ही नहीं है। ये नौजवानों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। आज विद्यार्थी जो पूरे देश में झंडा लेके खड़े हैं, उनको अपने भविष्य का फिक्र है कि हम डिग्री तो ले लेंगे पर नौकरियां कहां से लाएंगे, क्योंकि इस अभिभाषण में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये अभिभाषण ऐसे लगता है जैसे मुंगरीलाल के सपने दिखाए जा रहे हैं। मुंगरीलाल के 2014 में भी दिखाए थे, अभी भी दिखाए रहे हैं। अभी राणा जी बोल के गए राणे कि जी कांग्रेस भी मैनिफेस्टो देती थी, हमने करके दिखाया है। आज अगर आप गरीबी की रेखा से नीचे देखें तो लोगों का हुआ है। अरे आज यहाँ बैठे हुए हो, हवाई जहाजों में चलते हो और उनमें चलते हो, किसने दिए, किसने बनाए? हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसने बनाए? IIT किसने बनाई? MMT किसने बनाई जिसमें आज आप दिखाई दे रहे हो? क्या किया है 6 साल में? केवल भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। मास वही करो। आज आप लोग इस देश को इस तरह से बांटना चाहते हैं। कुछ नहीं है, ना महिलाओं के लिए है। आज पूरी महिलाएं जो है इस चिंता में है कि हमारा भविष्य ठीक है, हम सुरक्षित है, वहां उनको कुछ दिया नहीं जा रहा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि आप बहुत इतिहास के बगैर हैं, मोहम्मद गौरी को किसने बुलाया था? किसने कहा था दिल्ली में आंख बंद करने के लिए? कौन जयचंद था? कौन जयचंद था? महाराणा प्रताप जब हल्दी की घाटी में लड़ रहे थे, किस राजा ने उसकी मदद की अकबर के खिलाफ में? बैठ जाइए, बैठो, चुप करके बैठो। Nothing is going on. सुनो मैडम, प्लीज आप चेयर को एड्रेस करें मैडम, प्लीज। इस तरह की भाषा, एक भील जाति के लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, कहां थे तब? आज बात करते हैं देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आप क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते हैं, आज लाठी की जगह बंदूर और रिवॉल्वर आ गए हैं। और हमने सिखाया आपको अहिंसा,
आपने सिखाया है जनता को हिंसा, नफरत। मुद्दे पर बोले, इधर बोले, और चेयर को एड्रेस करें प्लीज। आप चेयर को एड्रेस करें। और आज तो मैं उपाध्यक्ष जी देशद्रोही की भी परिभाषा पूछना चाहती। क्या है देशद्रोही की परिभाषा? किसको देशद्रोही कहते हैं? मुझे याद है जब कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की आजादी को नहीं माना था, 4 साल के लिए बैन कर दी थी, लेकिन उनको देशद्रोही नहीं कहा था नेहरू ने, सरकार ने देशद्रोही नहीं कहा था। पंडित नेहरू के खिलाफ लोकसभा में वाजपेयी जी बोलते थे, उनको देशद्रोही नहीं कहा था। आज कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। 6 साल के बच्चों को भी नहीं आप तो छोड़ रहे, आप क्या करेंगे? आपके पास कोई, आपके पास ना तो कोई कार्यक्रम है, ना आपके पास भारत के लिए कोई नया सोच है, कुछ नहीं है। केवल एक सोच है कि कैसे इस देश को तोड़ा जाए। 70 साल में उपाध्यक्ष जी, हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया था जितना ये 6 सालों में ले रहे हैं। हमारी महानायिका ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, बांट दिया था, और ये आज पाकिस्तान के नाम से डरा रहे हैं। और वैसे कहते हम बहुत मजबूत है, हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान। क्यों भाई, क्या है वो? आपका कुछ लगता है? हाँ, जरूर लाहौर में जरूर बिरयानी खाने गए थे, कांग्रेस नहीं खिलाती, बिना बुलाए गए थे, और आज बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि इस भारत को मत तोड़िए। बड़ी मुश्किल से पटेल नेहरू ने इकट्ठा किया है, आप तोड़ रहे हैं, आप नहीं कहते हैं, आप तोड़ रहे हैं, इसका विभाजन कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। मैडम, आप चेयर को एड्रेस करें, आपस में चर्चा ना करें। मैं उनको एड्रेस ही नहीं करती जी, मैं उनको समझती कुछ नहीं हूँ, वो है ही कुछ नहीं, जिनको बोलने की समझ नहीं है उनसे क्या बात करनी है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इस देश को मत बांटिए, इस देश के टुकड़े मत कीजिए, नफरत मत फैलाइए। बहन जी चुप रहिए, अपनी बारी में बोल लेना जो बोलना होगा, अब चुप करके बैठी रहिए। अब देश के टुकड़े मत कीजिए। आज जो हम इस स्थिति, आपका इसी सीए ने, आज जो आपका एक ही देश था, पाकिस्तान आपसे नाराज, चाइना आपको कुछ नहीं समझता, नेपाल भी आपसे खफा हो गया है, और बांग्लादेश था जिसको भी आपने इसी से नाराज कर दिया है। आज वो भी सोचने, उसके 4 मंत्रियों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, एक उसमें कि इस देश में ऐसी बातें हो रही है इतना ज्यादा। आप कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन को हक नहीं है बोलने का, प्रस्ताव लाने का, तो उनके एमपी क्यों ले आए थे? उनको कश्मीर क्यों ले गए थे? आपने खुद उनको इनवाइट किया है, आपने खुद इसको इंटरनेशनल बनाया है, आपने खुद इनको, दूसरे लोगों को इसके ऊपर दखल देने के लिए बुलाया है, और उन्हें नहीं बुलाया जब तक हमारी सरकारें थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारे देश की तरफ देख ले। आप लोगों ने किया है ये सब, अपनी करतूतों को छुपाने के लिए उन लोगों की मदद ले रहे हैं। आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, केवल एक कर्म है कि गोली से उड़ा दो जी, मार दो जी, खड़ा दो जी, यही आपकी एक यही आप करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इस देश को मत बांटिए, इस देश की एकता को बनाए रखिए। इस देश में जो भी यहाँ है आज, वो सदियों से रह रहे हैं, अभी नहीं आए हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश, अरे भाई वो तो है ही इस्लामिक कंट्रीज, उनके बारे में क्या बोलना है? हम तो सेकुलर, हम तो धर्म को मानते हैं। किस धर्म की बात आप करते हैं? किस राम की बात करते हैं जिसने अपनी मर्यादा को रखने के लिए जनता की बातें सुनी थी? उस जनता की बात सुन के उसने सीता को वनवास भेज दिया, और आप लोग बात तक नहीं करना चाहते? किस राम राज्य की बात करते हैं? किसको पूजते हैं आप?
मंदिर बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उनके आदर्शों को भी मानिए, उनकी बात बताई हुई बातों को भी मानिए। सिर्फ केवल कहने से बात नहीं बनती है, ऊंचे ऊंचे भाषण देने से नहीं बात बनती। इसलिए मैं यही कहूंगी, इस देश को मत बांटिए, एक रहने दीजिए, ये नफरत मत फैलाइए, ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।